किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? तो सेवन फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो चुके थे. लास्ट वन इज एस्टर, याद है? लास्ट वन इज एस्टर. इका के एग्जांपल दे दूं? इका के एग्जांपल बताऊं या आते हैं अपने को? अच्छे से आते हैं. चल फिर भी एक एक एग्जांपल तो बनता है. C डबल बॉन्ड O O, इधर इथाइल है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर हमने यहां पे कुछ ब्रोमीन ले लिया है. क्या ले लिया है? ब्रोमीन. व्हाट अबाउट दिस? व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर? अब इसका नेमिंग क्या होगा? सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने को? नंबरिंग. नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग करने के लिए एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ये 1, इधर ये 2, यहाँ पे ये 3, ये 4, इधर ये 5. ये ग्रुप को क्या बोलते हैं? इथाइल. अब नेमिंग कैसे लिखते हैं? इथाइल को पहले. तो यहाँ क्या लिख दिया हमने? इथाइल. इथाइल के बाद क्या लिखेंगे? 4. 4 के बाद ब्रोमो. ब्रोमो के बाद पेंट. पेंट के बाद 2 के बाद इन के बाद ओएट. So this one is your correct IUPAC nomenclature for given compound. Now ये ester था जो already discussion हो चुका है. तो यहाँ पे हम sulfonic acid की बात कर लें. ये 8th one हो जाएगा, right? Sulfonic acid. Student, sulfonic acid में SO3H functional group होगा. क्या होगा? SO3H फंक्शनल ग्रुप. जो नेम है कंपाउंड का वही उसका सफिक्स होगा. जो नेम है कंपाउंड का वही उसका सफिक्स होगा. सो व्हाट इज द सफिक्स ऑफ SO3H ग्रुप? सल्फोनिक एसिड. प्रीफिक्स क्या होगा? सल्फोक्सी. प्रीफिक्स क्या होगा? सल्फोक्सी. अगर हमें सफिक्स एंड प्रीफिक्स पता है फिर भी हम यहां पे लिख लेंगे. सफिक्स सल्फोनिक एसिड. प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स यहां पे सल्फोक्सी, राइट? SO3H. अब यहां पे देखेंगे ना तो जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था उसको नंबरिंग किया था. क्या इस सल्फर को नंबरिंग करेंगे? नहीं. क्यों? रूल क्या बोलता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो ये कार्बन नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ये जिससे अटैच है उसको नंबरिंग करेंगे? नहीं. पहले हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन लेंगे. लॉन्गेस्ट चेन में फिर दूसरा कंडीशन ये रहेगा कि ये जिस साइड से पास में मिलेगा नंबरिंग उस साइड से करेंगे. अब लेफ्ट और राइट दो कंडीशन दिख रहे हैं, कौन सा कंडीशन फॉलो करना चाहिए? राइट टू लेफ्ट. रीजन वाई राइट टू लेफ्ट? बिकॉज राइट साइड से सेकेंड पे मिल रहा है. तो 1 2, ये 3 4 5, टोटल कार्बन 5 है. सेकेंड पे फंक्शनल ग्रुप है. नेमिंग में आएगा पेन, फिर सिंगल बॉन्ड है, आएगा एन. SO3H के लिए लिखेंगे सल्फोनिक एसिड, पर यहां पे उसका पोजीशन लिखना जरूरी है. तो क्या करेंगे? पेंटेन टू सल्फोनिक, टू सल्फोनिक. ये पॉइंट क्लियर? SO3H है, इधर भी SO3H, समझ में आ रहा है? इसको भी वही फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे. SO3H, SO3H, दोनों वही ग्रुप है. अब नंबरिंग किधर से करना चाहिए? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट. क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ 1 पे आ रहा है, इधर से जाएंगे तो 2 पे आएगा. तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पे ये फर्स्ट कार्बन, इधर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. पर अगर राइट से नंबरिंग करेंगे तो कंडीशन क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगा वो देखिए. 1 2 3 4, इधर से 2 and 4 मिल रहा है और इधर से क्या मिल रहा है? 1 and 3. विच पोजिशन इज द नियरेस्ट पोजिशन? 1 and 3. तो क्या लिखेंगे? टोटल कार्बन 4 है. 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटेन. 1, 3 डाई
डाई सल्फोनिक एसिड। ये क्लियर हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब ये अगर हमें समझा स्टूडेंट, तो साइक्लिक रिंग भी ले सकते हैं। साइक्लिक रिंग में यहां पे SO3H ग्रुप है, इधर डबल बॉन्ड ले लिया, इधर कोई ऐसा बॉन्ड लाइन में मिथाइल ग्रुप ले लिया। अब नेमिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग, ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे? वन, ये वन मान लिया, इधर से जाएंगे डबल बॉन्ड की साइड से, रीजन ये डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में आएगा। अब क्या लिख देंगे? फोर मिथाइल। फोर मिथाइल को पहले इसलिए लिखा क्योंकि ये टू डिग्री प्रीफिक्स है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख दिया, हो गया क्या? फोर मिथाइल। अब क्या लिखेंगे? साइक्लो, साइक्लोहेक्स 2E, फिर उसके बाद वन सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिक एसिड। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? इसके और कोई एग्जांपल लेने की जरूरत है? एक दो और एग्जांपल लिया जा रहा है, ध्यान देंगे। ऐसा साइक्लिक रिंग ले लिया और यहां पे मैंने SO3H ग्रुप ले लिया। इसका नेमिंग ट्राई करेंगे आप सॉल्व करने के लिए, ओरली सॉल्व करेंगे। SO3H, व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नॉमिनक्लेचर? नंबरिंग, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या करेंगे? प्रिफरेंस देंगे, ये वन इधर टू, ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट में इसका नेमिंग क्या होगा? साइक्लो, साइक्लोपेंटाइल। पोजीशन क्या है? तो क्या लिखेंगे? टू साइक्लो इथेन सल्फोनिक एसिड, इथेन सल्फोनिक एसिड। व्हाट अबाउट दिस? इसके लिए क्या होगा? नो डाउट ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अटैच किससे हो रहा है? इस कार्बन से, एक ही है, राइट? अब ये क्या हो गया? पूरे के पूरे पेरेंट चेन में आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट में इसका नेम क्या होगा? साइक्लोहेक्साइल। अब एक ही कार्बन है, आइदर आप वन साइक्लोहेक्साइल लिखेंगे या तो डायरेक्टली साइक्लोहेक्साइल लिखेंगे, बोथ आर करेक्ट। तो हम सबसे पहले यहां पे साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल मीथेन, मीथेन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? अगर ये समझा है तो कुछ और फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं। कीटोन, कीटोन में क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, सफिक्स में क्या आएगा? ओन। प्रीफिक्स की बात कर लूं तो ऑक्सो और कीटो, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, यहां कंडीशन नहीं है। समझ में आ रहा है ना? सी डबल बॉन्ड ओ, ये कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। इसी को अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर में बात करें तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होता है। क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कीटोन इज अ नॉन टर्मिनल। कीटोन क्या होता है? नॉन टर्मिनल। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जब दो कार्बन के बीच में आएंगे तो कीटोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कीटोन। तो कीटोन अगर बीच में, दो कार्बन के बीच में लाना है आपको, तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? थ्री। मिनिमम कितने चाहिए? थ्री। दो कार्बन में तो टर्मिनल ही होगा, समझ में आ रहा है? और ये कौन सा ग्रुप है? नॉन टर्मिनल। कीटोन क्या है? नॉन टर्मिनल। एल्डिहाइड क्या है? टर्मिनल। एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस क्या है? तो एल्डिहाइड इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एंड कीटोन इज अ नॉन टर्मिनल फंक्शन। नहीं समझा? एल्डिहाइड की बात करें अगर, तो एल्डिहाइड किसी चेन में इस तरह से रहेगा, ये टर्मिनल पे है, बट क्या कीटोन टर्मिनल पे है? नहीं, कीटोन दो कार्बन के बीच में है, ये समझ में आ रहा है? तो कीटोन का पहला जो मेंबर होगा, फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, दिस वन।
अब इसका नेम क्या होगा, कितने कार्बन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रो एन ओन, तो प्रोपेन ओन। अब यहां पोजीशन नहीं लिखा मैंने, राइट, बट हमें क्या पता है, कीटोन इज नॉन टर्मिनल। तीन कार्बन में नॉन टर्मिनल वाला पोजीशन कौन सा होगा, सेकेंड, नहीं समझा। तो अगर आपने प्रोपेन ओन लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि कीटोन का पोजीशन सेकेंड पे ही होगा। कहां पे होगा, सेकेंड पे ही होगा, क्योंकि अगर वन पे आ गया तब तो एल्डिहाइड हो गया, और यहां हमने सफिक्स लिखा है क्या, ओन, तो मतलब क्या है, कीटोन। कहां पे होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सेकेंड। एक और एग्जांपल, जब पोजीशन वेरिएबल होंगे, वेरिएबल मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे बन सकते हैं, तब पोजीशन कंपलसरी लिखना होता है। जब वो फिक्स पोजीशन होते हैं, वेरिएबल नहीं हो सकते। यहां कीटोन अगर मुझे बनाना है तीन कार्बन में, तो सी डबल बॉन्ड ओ मिडल पे ही आएगा, आप दूसरा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। जब दूसरा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ नहीं भी लिखा तो चलेगा, नहीं समझा। सिमिलरली सेकेंड वन क्या लिखना है, वन टू थ्री फोर, क्या लिखूं मैं, ब्यूटेन ओन। अब यहां पे भी पोजीशन नहीं लिखा मैंने, कैसे भी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये सेकेंड पे ही आएगा। अब आप बोलेंगे सर इधर आया तो, तब नंबरिंग राइट से हो जाएगा, तो भी वो क्या होगा, ये और वो दूसरे दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे, सेम, नहीं समझा। तो यहां पे भी आप पोजीशन नहीं लिखेंगे तो ब्यूटेन टू ओन इनकरेक्ट नहीं है, ब्यूटेन टू ओन इनकरेक्ट नहीं है, बट ब्यूटेन ओन लिखा है तो भी करेक्ट है, तो बोथ आर करेक्ट नेम, ये ध्यान में रखिए। अब इस फिफ्थ कार्बन में यहां कंपलसरी पोजीशंस को लिखना होगा, नहीं लिखे तो इधर आ गया तो क्या, अगर आपने खाली पेंटेनोन लिखा तो सी डबल बॉन्ड वो कहां है, वो कौन बताएगा, राइट, तो आप बोलेंगे कि सर इन दोनों में तो आपने नहीं लिखा था, तो इन दोनों में वेरिएबल पोजीशन नहीं था, पर इधर कैसा है, ये इधर आ रहा है, थर्ड पे भी आ जाएगा, राइट। यहां दो दो कीटोन बन सकते, एक पेंटेन टू ओन, दूसरा पेंटेन थ्री ओन, दोनों के चांसेस है, और जब दोनों के चांसेस होंगे तब क्या करना होगा, पोजीशन। अब अगर मैंने पोजीशन लिख दिया कि पेंटेन टू ओन, तब तो ये कंफर्म हो गया ना कि ये इसी सी डबल बॉन्ड ओ पे है, और मैंने लिख दिया पेंटेन थ्री ओन, तब यहां पे होगा, और मैंने पोजीशन लिखा ही नहीं तो आइदर ओ टू पे होगा या फिर थ्री पे होगा, नहीं समझा, क्लियर एवरीवन। तो यहां पे नेमिंग के लिए आपको लिखना होगा पेंटेन टू ओन, समझा। बॉन्ड लाइन की बात करें, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, दो दो डबल बॉन्ड ओ है, पहले तो ये देखेंगे क्या दोनों नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है तो दोनों कीटोन है, एक भी टर्मिनल हुआ तो क्या कीटोन होगा, वो तब वो एल्डिहाइड हो जाएगा। जो भी नॉन टर्मिनल होंगे वो कीटोन, और जो टर्मिनल होंगे वो एल्डिहाइड। नंबरिंग कहां से करना चाहिए, तो हम देखने पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किधर से भी नंबरिंग करें, पोजीशन क्या दिख रहा है हमें, सेकेंड पोजीशन दिख रहा है दोनों साइड से, तो नंबरिंग आपके ऊपर है किधर से भी कर सकते। ये टोटल सिक्स कार्बन हो गया, अब सिक्स कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स। हेक्स लिखने के बाद क्या लिखेंगे, हेक्स, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब हेक्सेन लिखने के बाद क्या लिखना चाहिए, 2.5 के बाद डायओन, हेक्सेन 2.5 डायओन, क्लियर एवरीवन। नेमिंग समझ में आ रहा है कि कीटोन के नेमिंग कैसे करने। अब आप अगर ध्यान देंगे ना तो इसका नेमिंग जिस प्रकार से किया था ना उसी प्रकार से इसका नेमिंग है, फर्क खाली कितना है, जहां SO3H आए अगर वहां सी डबल बॉन्ड हो तो नेमिंग सफिक्स चेंज हो जाए। वो सात एक टाइप थे, ये पांच एक टाइप के, राइट।
साइक्लिक रिंग ले लिया सी डबल बॉन्ड ओ, नेमिंग में क्या आएगा? अब यहां पे सिक्स मेंबर रिंग है, ये पोजीशन क्या लिखूं मैं, साइक्लो हेक्सेन ओन। अगर यही पोजीशन इधर आ जाए तो, यहां पे आ जाए तो जिधर भी आएगा वन ही होगा, क्या होगा वन। बट अगर मोर देन वन सी डबल बॉन्ड ओ आया तो तब डायोन आएगा, और डायोन का पोजीशन लिखना पड़ेगा। क्यों? जब तक वन, जब तक एक था तो पोजीशन वन होगा, अब ये वन टू है, वन थ्री है, वन फोर है, क्या पता, इसलिए पोजीशन लिखना कंपलसरी है। अब यहां क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन वन कॉमा फोर डाय, अगर यहां पे होता तो क्या हो जाता, वन कॉमा टू, समझ में आ रहा है, इधर वन कॉमा थ्री, तो इसलिए वन कॉमा फोर लिखा है कंपलसरी, क्योंकि यहां कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर इधर किधर भी सी डबल बॉन्ड ओ है, पॉसिबिलिटी सेम होगा, तो इधर साइक्लोहेक्सेनोन लिखा, ये करेक्ट। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग को, एक एक पॉइंट पे ध्यान दे रहे हैं। सी डबल बॉन्ड ओ इस तरह से नेमिंग आ जाएगा हमें पक्का। कीटोन अगर समझ में आ गया तो अल्कोहल की बात कर लें, अल्कोहल के लिए OH, OH के लिए सफिक्स ऑल, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है? अब ना इसका नेमिंग मैं बताऊंगा नहीं, एग्जांपल लिख रहा हूं, और मैं ये चेक करना चाहूं आपको कितना समझा। जैसे कीटोन के लिए, सल्फोनिक एसिड के लिए आपने अप्लाई किया है, वैसे अल्कोहल के लिए सामने सफिक्स और प्रीफिक्स लिखा हुआ है, सामने सफिक्स और प्रीफिक्स लिखा हुआ है। हम ट्राई करेंगे खुद से सॉल्व करने के लिए, नहीं आएगा तो मैं तो वही हूं डूबती नाव को पार लगाने के लिए। नेमिंग करते रहेंगे आप खुद से, ओरली करना है, मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा आप नेमिंग बताएंगे। क्या लिखना होगा, प्रोपेन ऑल या वन ऑल, राइट। इधर क्या होगा, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। इधर नेमिंग क्या होगा, 2.3, समझा, नंबरिंग किधर से भी कर दे क्या फर्क पड़ता है। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1.5, क्या लिखा है, पहले क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1.2.4 ट्राय ऑल, समझ में आ रहा है आपको, नंबरिंग ये 1, 2, 3, 4 क्या हो गया, ब्यूटेन 1.2.4 ट्राय ऑल, समझा। यहां तक कोई कंफ्यूजन, व्हाट अबाउट दिस, इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, नेमिंग कुछ समझ में आ रहा है? चलो पहला वाला नेमिंग, साइक्लोपेंटाइन मीथेन, व्हाट अबाउट दिस, मुझे ये बताओ हेक्स के बाद क्या लिखा हुआ, 3 in 1.2 डाय ऑल। अब दोनों सीनियर ग्रुप है ना, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, या तो इधर या तो इधर,
बट इधर से किया तो इधर जाएंगे, तब ये डबल बॉन्ड का पोजीशन दूर हो जाएगा, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है। बट अगर मैं इधर से करूं तो ये 1, ये 2, इधर ये 3 मिल रहा है, तो कौन सा वाला करेक्ट है? ये। अब आप बोलेंगे सर ये 1 लेके इधर 2 क्यों नहीं किया, ये दोनों सफिक्स है ना, दोनों को नियरेस्ट पोजीशन देना है। क्या देना है? नियरेस्ट पोजीशन। तो नियरेस्ट पोजीशन की पॉसिबिलिटी किधर से बन रही? ये जो नंबरिंग है ये 1, 2 और डबल बॉन्ड तीनों के लिए सुटेबल हो रहा है, तो यहां से 1 और 2 पे OH ग्रुप और 3 पे डबल बॉन्ड, नेमिंग क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्स 3-ene-1,2। व्हाट अबाउट दिस? साइक्लोपेंट 1-ol या 2-ene-1-ol, पेंट 2-ene-1-ol और 2-ene-1-ol, साइक्लो पेंटाइन मीथेन ऑल। समझ में आ रहा है? इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? नंबरिंग किधर से करना चाहिए? कहां से भी नहीं, आइदर लेफ्ट और राइट, ऊपर से किया तो कहां से भी, मतलब तीनों साइड में से किधर से भी, गेटिंग माय पॉइंट, आइदर लेफ्ट और राइट, तो ये मेंशन करना पड़ेगा आपको। अब ये क्या हो गया स्टूडेंट, तो इसका नेमिंग क्या होगा? वेरी गुड, बट उसके पहले क्या लिखना पड़ेगा? पोजीशन। फिर क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या लिख देंगे? हाइड्रोक्सी मिथाइल। फिर पेंटेन 1,5 ऑल डायोन। समझा या नहीं? इजी है ना नेमिंग? नहीं समझ में आ रहा है? नेमिंग तो बेटा बहुत इजी है, अब बताओ नेमिंग क्या हो? नंबरिंग किधर से करना चाहिए अपने को? नीचे से। इधर से किया तो क्या होगा? डबल बॉन्ड का पोजीशन दूर हो जाए, तो कहां से नंबरिंग? एंटी क्लॉकवाइज। साइक्लोहेक्स 4-ene-1,3 डाय। नेमिंग समझ में आ रहा है? इतना नोट डाउन कर देंगे। अल्कोहल की जगह पे ये 11th नंबर है, थायो अल्कोहल। अब थायो अल्कोहल में इतना ज्यादा एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, 2-4 एग्जांपल किया मोर देन इनफ है। समझ में आ रहा है? समझना क्या है वो ध्यान देंगे। थायो अल्कोहल में क्या डिफरेंस है अल्कोहल से? फंक्शनल ग्रुप SH होगा, तो जो सफिक्स है वो क्या होगा? थायोन, ऑल की जगह पे थायोन। प्रीफिक्स जो होगा वो क्या होगा? प्रीफिक्स मरकैप्टो। तो यहां पे अगर SH आ गया स्टूडेंट, अब यहां क्या लिखना चाहिए? प्रोपेन थायोल। क्या लिखेंगे? प्रोपेन थायोल। इधर पे SH आ गया तो ब्यूटेन 2 थायोल, ब्यूटेन 2 थायोल। समझ में आ रहा है? और इधर क्या हो जाएगा? 2,3 डाय थायोल। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा एग्जांपल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये 3-4 यहां पे लिख लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है NH2 फंक्शनल ग्रुप। कौन है? NH2 फंक्शनल ग्रुप। NH2 को क्या बोला जाता है? अमाइन।
अच्छा एनएच टू ना रह के इसका डेरिवेटिव एनएच भी आ सकता है, तो क्या हो जाएगा अमाइन। एन बी रहेगा तो भी सफिक्स क्या होगा अमाइन। जो इस कंपाउंड का नेम है वही इसका क्या है सफिक्स, तो सफिक्स होगा अमाइन। प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स अमीनो, प्रीफिक्स अमीनो। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, तुम्हारी भावनाएं हमारे तक पहुंच चुकी है। नाउ स्टूडेंट, ये NH2 ग्रुप है। अब अगर नंबरिंग की बात करें 1, 2, 3, अब जैसे ये जो अमाइन है ना 1 डिग्री अमाइन, तो अल्कोहल की तरह ही है, जैसे अल्कोहल का नेमिंग किया ना वैसे इसका भी नेमिंग कर सकते हैं 1 डिग्री का। क्या कर, हमने वहां पे 3 कार्बन के लिए क्या लिखा था प्रोपेन ऑल, इधर क्या लिखेंगे प्रोपेन अमाइन, क्या लिखेंगे प्रोपेन अमाइन, तो नेमिंग क्या हो जाएगा प्रोपेन अमाइन। इस तरह से NH2 ग्रुप आ गया तो क्या लिखेंगे ब्यूटेन टू अमाइन, क्या लिखेंगे ब्यूटेन टू अमाइन। ब्यूटेन टू अमाइन, मोर देन वन NH2 ग्रुप आ गया तो क्या हो जाएगा नेमिंग। बट यहां पोजीशन लिखना कंपलसरी है, क्या लिखेंगे प्रोपेन 1.3 डाय अमाइन, प्रोपेन 1.3 डाय अमाइन। इधर NH2 ग्रुप है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां NH2 है, सो करेक्ट IUPAC नॉमिनक्लेचर। नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ये 1, ये 2, इधर 3। अब क्या करना चाहिए, या तो आप प्रोपीन लिखेंगे या लिखेंगे प्रोप 1 ईन, बोथ आर करेक्ट। तो प्रोपीन का ई भी लिखेंगे 1.3 लिखेंगे, डाय अमाइन लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब साइक्लिक रिंग अगर ले लिया और साइक्लिक रिंग में NH2 ग्रुप आ गया तब क्या करेंगे, यहां NH2 है, इधर डबल बॉन्ड है और हम इधर भी NH2 ले लेते हैं। अब सवाल यह है कि नेमिंग क्या होगा, नंबरिंग कहां से एंटी क्लॉकवाइज, साइक्लो हेक्स 4 ईन 1.3 डाय अमाइन। ये सब समझ में आ गया, तो कुछ इस तरह से भी नेमिंग ले लेते हैं। अब इसका नेमिंग क्या होगा, पहले इसको समझ लेते हैं, क्या समझेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहां पे होगा। अब यहां दो गलतियां हो सकती है, पहले तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है ये ध्यान में रखेंगे राइट, दूसरी बात ये यहां लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, इधर से नहीं नीचे से, ये 1, 2, 3, 4। समझ में आ रहा है आपको, अगर मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं तो 3 ही कार्बन होंगे, हमें नंबरिंग क्या करना है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकेंड क्या रूल है, नंबरिंग फ्रॉम नियरेस्ट टू दी सब्स्टिट्यूएंट, नियरेस्ट टू दी सब्स्टिट्यूएंट, नियरेस्ट यही है सेकेंड पोजीशन है। अब नेमिंग क्या लिखेंगे, नेमिंग लिखने के लिए एन एन मिथाइल लिख दिया, अब क्या लिखेंगे ब्यूट के बाद एन, एन के बाद टू अमाइन। ये समझ में आया, एन मिथाइल ब्यूटेन टू अमाइन, एन मिथाइल ब्यूटेन टू अमाइन। नेक्स्ट वाला एग्जांपल आपको आना चाहिए। इसका नेमिंग क्या होगा, Thank you.
इसका नेमिंग क्या होगा? वेरी गुड, क्या रॉन्ग नेमिंग किया है? ये क्या हो गया? इथाइल क्या हो गया? वो भी रॉन्ग। अब बोलो ऊपर वाले का नंबरिंग कहां से करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन ना, आइदर ऊपर वाले कार्बन से या नीचे वाले कार्बन से, किधर से भी। 1 2 समझ में आ रहा है? नमूनों की कमी नहीं है ना। ये इथाइल हो गया तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल। नेमिंग क्या लिखेंगे? एन इथाइल टू मिथाइल पेन थ्री ई अमाइन। समझ में आ रहा है? बट अमाइन का पोजीशन 2 अमाइन, सेकेंड पे है ना ये। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एन इथाइल टू मिथाइल पेन थ्री ई टू अमाइन। नहीं समझा? व्हाट अबाउट दिस इथाइल नंबरिंग? ये 1। सवाल ये है कि इधर जाएं या इधर? टूवर्ड्स डबल बॉन्ड, टूवर्ड्स डबल बॉन्ड। अब क्या लिखेंगे? एन इथाइल 5 मिथाइल साइक्लो हेक्स 3 1 अमाइन। समझ में आया? नहीं समझ में आता है? जैसे नेमिंग देता हूं वैसे रॉन्ग हो जाता है। पहले बोलेंगे आता है सर, आता है, सब आता है अपने को, नेमिंग दे के तो देखो, सही कभी नहीं बताएंगे। नमूनों, चलो इसका नेमिंग बताओ सर। टू इन अमर, भगवान आपका भला करे। अब यही दुआ कर सकता हूँ ना आप लोग के लिए, कोई और दुआ चाहिए? व्हाट अबाउट दिस? हो गया, कहानी खत्म ना। वही होता है, एक एग्जाम्पल में अपने पास पावर रहता है, दूसरे में वो पावर डिक्रीज हो जाता है। इसका नेमिंग बताओ, आपस में डिस्कशन कम, ये सॉल्व कर। 1 मिथाइल तो लॉन्गेस्ट चेन रूल घर पे लेके गए। घर पे कुछ कमी है, मिथाइल लेके जा रहे हो? हाँ अभी कल निहार को लेके जा रहे हो, आज मिथाइल को लेके जा रहे हो, चाहते क्या हो? एक एक करके यहां से सबको गायब करना है। एन कॉमा एन डाई इथाइल फिर पेन 3 2 अमाइन। ये पॉइंट क्लियर हो गया? नेमिंग समझ में आया? हमेशा तो हाँ ही बोलते हो ना, कभी बोला है? जैसे ही नेमिंग आया वैसे ही तब सारी असलियत पता चल जाती है। चलो इसका नेमिंग बता दो। अभी भी रॉन्ग है। एन इथाइल साइक्लोहेक्सा
टू कॉमा डाय, समझ में आया? कितना नेमिंग लिख लेंगे, थायो अल्कोहल की नेमिंग तीन चार एग्जांपल ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं, इतना रिंग में दो चार लिख लेंगे और इनको कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी करने के बाद फिर आगे पॉली फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। पॉली फंक्शन मतलब मोर देन वन, मोर देन वन, समझ में आ रहा है? तो एक से ज्यादा सभी रहेगा, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करेंगे, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। नाउ जब भी मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तब क्या होगा, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ किसी भी कंपाउंड पे तो क्या होगा, उसका नेमिंग कैसा होगा वो ध्यान देंगे। अब यहां से ये तो आप ऐसे लिख देंगे, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। अब ऐसे केसेस में हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और किसकी प्रायोरिटी कम। यहां पे COOH ग्रुप ले लिया, क्या ले लिया, COOH ग्रुप, और एक यहां पे OH है और एक यहां पे CN है, इस तरह से कंपाउंड ले लिया है। अब समझना ये है कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, जो किस में आएगा, सफिक्स में, कहां पे आएगा, सफिक्स। ये क्या है, प्रीफिक्स, ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के साइड से, ये समझ में आ रहा है। जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होगा तो जो हायर प्रायोरिटी वाला होगा वो किस में आएगा, सफिक्स में, और लोअर प्रायोरिटी वाले किस में आएंगे, प्रीफिक्स, जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट होंगे, क्या होंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अभी तक जब ये अकेला OH आ रहा था, समझ में आ रहा है, या उससे जूनियर आ रहे थे तो वो क्या हो रहा था, सफिक्स। अब यहां पे ये क्या है, प्रीफिक्स, तो नंबरिंग क्या होगा, ये कार्बन वन, यहां पे टू, थ्री, फोर, फाइव, थ्री पे क्या है, OH, OH को अब क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, क्या लिख देंगे, CN को क्या लिखेंगे, साइनो। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है, इधर C है तो क्या लिखेंगे, फोर, फोर साइनो, थ्री हाइड्रोक्सी, पेंटेन, ओइक। अब पेंटेन ओइक एसिड का पोजीशन नहीं लिखा है, मतलब ये कहां पे होगा, वन, समझ में आ रहा है, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा। अब ये वन, ये इधर, ये फोर, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन है, अमाइड, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, अमाइन। अमाइन जो है प्रीफिक्स में क्या आएगा, अमीनो, क्या हो जाएगा, अमीनो। ये अभी जो है ये फंक्शनल ग्रुप का नेम है, इनका नेमिंग में हम क्या लिखेंगे, अमीनो, ये ध्यान में रखें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू अमीनो, टू अमीनो के बाद टोटल कार्बन कितने हैं, फोर, फोर के लिए ब्यूट के बाद, थ्री के बाद, तीन के बाद, ये समझा आपको। इसका नेमिंग क्या हो, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचानो, ये कौन है, एस्टर, कौन है, एस्टर, एस्टर ग्रुप हो गया। अब ये
एल्डिहाइड, ये क्या है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अभी खाली फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं मैं, ये इसलिए लिख रहा हूं आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये प्रीफिक्स में क्या आएगा, हेलो कार्बोनिन, क्या आएगा हेलो कार्बोनिन, यही पढ़ाया प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिन। क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो कार्बोनिल, क्लोरो कार्बोनिल। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या बताया हुआ है, फॉर्माइल, क्या होगा, क्या होगा। अब नेमिंग में क्या लिखेंगे, ये सी आ रहा है और इधर एफ आ रहा है, क्या लिख दें। अब नंबरिंग पहले देखिए कहां से, वन टू थ्री फोर, यहां से क्यों किया, फंक्शनल ग्रुप। अब इसके नेमिंग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मिथाइल, क्या लिखेंगे एस्टर है, हमेशा ध्यान में रखना एस्टर का रूल क्या है, अल्काइल को पहले उसके बाद सब्स्टिट्यूट, तो क्या लिखेंगे मिथाइल, क्या लिखेंगे मिथाइल के बाद थ्री क्लोरो कार्बोनिल, थ्री क्लोरो देन फोर फॉर्माइल। अब क्या लिख देंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो कार्बोक्सिलेट, वाई कार्बोक्सिलेट, क्योंकि ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में आया नहीं, ये नेमिंग समझ में आया या नहीं आया। तो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो नेमिंग कैसे करना है, हमें हमें क्या देखना है, कौन सफिक्स है कौन प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को लिखेंगे पहले, सफिक्स को लिखेंगे बाद में। हर कंपाउंड में एक ही सफिक्स होगा, राइट। यहाँ पे देख रहे हैं आप नेमिंग, ये तीन चार एग्जांपल करने पे आपको क्या समझ में आया, कोई और एग्जांपल मैं दे दूं, आप खुद से नेमिंग आप कर सकते हैं। अभी आपको ये मेथड समझ में आ गया, टेक्निक समझ में आ गया, अभी क्या करना है, जो आपने यहाँ पे सीखा है वही बाकी एग्जाम्पल में अप्लाई करना है, सेम टू सेम। तो अभी ट्राई करेंगे बाकी के एग्जाम्पल में कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए। ऐसा कुछ दे दिया, अब क्या करेंगे, मेन क्या हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये मेन हो गया। अब इसके बाद नंबरिंग टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसको क्या बोलेंगे सल्फोक्सी, इसको क्या बोलेंगे हाइड्रोक्सी। तो कौन पहले आएगा, फाइव हाइड्रोक्सी, फिर थ्री साइक्लोहेक्स, टू इन कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, ये नेमिंग समझा, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। और अगर अपने को पॉली फंक्शनल ग्रुप समझ में आ जा रहा है तो एक तो और आसानी से रिवाइज हो जा रहा है। अब यहाँ पे पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको, ये ध्यान में रखेंगे। इसका नेमिंग आ जाएगा, इसके नेमिंग पे जरा ध्यान देंगे। ये वाला तो इजी है, ये एक, ये कौन सा ग्रुप हो गया, और ये एसिड, एस्टर और एसिड में एसिड
सफिक्स और एस्टर प्रीफिक्स। ये कौन सा ग्रुप हो गया? सेकेंड वाला एस्टर, बट दोनों एस्टर में डिफरेंस है या नहीं है? और एस्टर के प्रीफिक्स में दो नेम बताया था या नहीं? नहीं समझा, दो प्रीफिक्स नेम बताया था ना। अब दो क्यों बताया था, उसका लॉजिक ये है, दो तरह से अरेंजमेंट हो सकता है एस्टर का। नहीं समझ में आ रहा है, एस्टर को आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक लिंकेज अगर सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री हो सकता है, तो एक क्या हो सकता है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। ये समझ में आ रहा है आपको, कब कौन सा वाला एस्टर यूज करना है प्रीफिक्स वो ध्यान में रखेंगे। अब यहां पे ये वन ये टू है, इधर भी ये वन ये टू है, यहां ओ से अटैच है राइट, तो ये क्या हो गया नंबरिंग, ये वन ये टू, क्या हो गया वन और टू। ऑक्सीजन को हम ऑक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑक्सी। एक प्रीफिक्स ऐसा था अल्केन ऑयल ऑक्सी, याद आ रहा है आपको, और एक को हमने लिखा था अल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या लिखा था अल्कोक्सी कार्बोनिल। मैं आपको यहां से थोड़ा कोरिलेट करना चाहूंगा, कहां से, ये वाले एग्जांपल, इसका प्रीफिक्स क्या है क्लोरोकार्बोनिल। अरे यार एसिडाइल की बात कर रहा हूं, इसके स्ट्रक्चर जरा ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से आपको थोड़ा उससे हेल्प मिलेगा। ये सीएल है और यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से स्ट्रक्चर है, और ये क्या सी डबल बॉन्ड ओ है। ओ सी एस थ्री को क्या बोलते हैं मिथॉक्सी, क्या बोलेंगे मिथॉक्सी। आपको याद है ओ आर अल्कोक्सी, जूनियर ग्रुप क्या क्या बताया था, हेलो नाइट्रो नाइट्रोसो अल्काइल अल्कोक्सी। अल्कोक्सी का रिप्रेजेंटेशन क्या लिखा था ओ आर, यहां क्या है ओ सी एस थ्री, इसको क्या बोला है क्लोरोकार्बोनिल, क्या बोला है क्लोरीन, और ये कार्बोनिल, इसको क्या बोलेंगे मिथॉक्सी कार्बोनिल। नहीं समझ में आ रहा है, दोनों का डिफरेंस पे ध्यान देंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं मिथॉक्सी, इसका नेमिंग लिख दिया, फिर बचा क्या ये, तो क्या होगा इसके लिए प्रीफिक्स होता है, यहां मिथाइल है इसलिए, अदरवाइज इन जनरल बातें करें तो क्या होता है अल्कोक्सी अल्कोक्सी कार्बोनिल, और यहां पे क्या होगा अल्केन ऑयल ऑक्सी। ऑक्सी कब आता है जब ऑक्सीजन रहता है, समझ में आ रहा है आपको, जब ऑक्सीजन पेरेंट चेन से अटैच होगा तो क्या आएगा नेमिंग में ऑक्सी। तो यहां पे इन दोनों एग्जांपल को आपको समझना है, ध्यान देना है कि एस्टर दो तरह से अरेंज होते हैं, एक में नेमिंग अल्कोक्सी कार्बोनिल होगा, दूसरे में क्या होगा अल्केन ऑयल ऑक्सी। उसका लॉजिक ये है कि ये ऑक्सीजन है, यहां से हमने नंबरिंग किया दो कार्बन, दो कार्बन का अब नेमिंग क्या होगा इथ, इथ के बाद एन, एन के बाद ऑयल ऑक्सी, तो नेमिंग क्या होगा इथेन ऑयल ऑक्सी, पोजीशन क्या होगा टू, फिर क्या लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये नेमिंग लिख दूं मैं, और इसका नेमिंग आप नेमिंग लिख पाएंगे या नहीं, इधर लिख देता हूं मैं टू मिथॉक्सी कार्बोनिल। मिथॉक्सी कार्बोनिल कैसे आया, वंस अगेन आई रिपीट OCS3 इज मिथॉक्सी, OCS3 इज मिथॉक्सी, और ये C डबल बॉन्ड ओ को क्या बोलेंगे कार्बोनिल। जैसे यहां पे हेलो कार्बोनिल आया, वैसे यहां पे क्या आया है मिथॉक्सी कार्बोनिल। जब C डबल बॉन्ड O से अटैच होंगे तो उसको इसी तरह से C डबल बॉन्ड O इज नोन एज कार्बोनिल, तो ये क्या हो गया मिथॉक्सी कार्बोनिल। इसका नेमिंग क्या आया इथेन ऑयल, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं ऑक्सी, तो दोनों में डिफरेंस समझा या नहीं, तो टू मिथॉक्सी कार्बोनिल साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको कुछ नहीं ध्यान में रखना है, खाली ये ध्यान में रखना है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ आया तो क्या आएगा अल्कोक्सी कार्बोनिल, ओ के साथ आया तो क्या आएगा अल्केनोइल ऑक्सी, इतना ध्यान में रखना है। अब इधर क्या लिखूं मैं टू, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं टू मिथॉक्सी कार्बोनिल, समझ में आ रहा है। इधर क्या लिखूं मैं टू, टू के बाद इथेन ऑयल ऑक्सी,
राइट, दो कार्बन के लिए इथेन, फिर ऑयल, फिर ऑक्सी। अब क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिख दूं मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं, ये समझा, ये नेमिंग आ जाएगा, ये आएगा या नहीं आएगा, नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 4 अमीनो, 3 साइनो, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल ब्रोमाइड, इतना लिख लेंगे और ये पूरा रिवाइज करके आएंगे, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू हम नेमिंग करने वाले, दैट्स ऑल।